रिकर्जन क्या है व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस का हमने लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हमारा मेन फंक्शन किसी फंक्शन को कॉल लगाता है और वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है मेन फंक्शन को, इसे कहते हैं बेसिक फंक्शंस। सो अब रिकर्जन क्या है, व्हेन मेन फंक्शन कॉल लगाए फंक्शन को और फंक्शन फिर से फंक्शन को ही कॉल लगाए और फिर फंक्शन फिर से फंक्शन को कॉल लगाए और जब तक लगाता रहे, जब तक हमारी बेस कंडीशन कंडीशन रीच नहीं हो रही। जैसे ही हमारी बेस कंडीशन रीच हो रही है, बेसिक फंक्शंस की तरह हमारा फंक्शन भी वापस मेन फंक्शन की तरफ जाए, तो रिकर्जन ये है। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ एंड रिकर्जन, जब तक कंडीशन हमारी मीट ना हो जाए तब तक वो अपने आप को कॉल लगाता रहे। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट नंबर फ्रॉम 5 to 1, पहले तो हम इसे आइट्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और फिर प्रिंट कर रहे होंगे अपने नंबर्स। प्रिंट मतलब जावा में इसे सी आउट कहते हैं, तो सी आउट की मदद से प्रिंट कर रहे होंगे। तो अब हम इसे देखते हैं रिकर्जन में कैसे कर रहे होंगे। पहले तो हम फंक्शन बनाएंगे एक, किस नाम का, प्रिंट एनओ नाम का, और इसमें क्या कर रहे होंगे, सी आउट कर रहे होंगे एन को मतलब 5 को, और अपने फंक्शन को फिर कॉल करना होगा, क्योंकि रिकर्जन का मतलब क्या है, फंक्शन डेट कॉल इटसेल्फ, जो अपने आप को ही कॉल करता है। तो प्रिंट एनओ करके हमने एन माइनस 1 कर दिया। अब कितनी टाइम होगा, 4 टाइम। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 4। सो अब हमने कहा था कि बेस केस तक रीच ना करे जब तक प्रिंट करता रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा बेस केस तक रीच कर गया नहीं कर गया। तो हम लगाएंगे इफ एल्स की कंडीशन, इफ की कंडीशन। अगर ये 0 हो जाता है हमारा, तो हमारा फंक्शन रिटर्न कर जाए, तो हम इसे कहते हैं बेस केस, मतलब इसके बाद प्रिंट ना हो। सपोज कीजिए अगर हमने बेस केस लगाना हम लगाए ना इसमें, तो क्या होगा, तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब वो प्रिंट करते रहेगा और हमारी मेमोरी भर जाएगी। चलो अब हम प्रिंट करके देखते हैं नंबर्स 5 से लेकर 1 तक। सो पहले हम एक इंटीजर बनाएंगे एन, इसमें हम 5 स्टोर करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट एनओ को कॉल करेंगे, ठीक है। प्रिंट एनओ को कॉल किया, अब यहाँ पे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एनओ, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पास करा देते हैं इंट एन। हम यहाँ पे कुछ भी पास करा सकते थे, ए भी लिख सकते थे, बी भी लिख सकते थे, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों का आउटपुट अलग अलग। एन उसमें एन की वैल्यू अलग स्टोर कर सकते हैं, इसमें एन की वैल्यू अलग स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है। सो हम क्या करेंगे, सिस्टम सी आउट करेंगे, किसको, एन को, हमें एन को प्रिंट कराना है, और अपने फंक्शन को फिर कॉल करेंगे, पर इस बार किसके लिए कॉल करेंगे, एन माइनस 1 के लिए, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रुकना कब है, तो हम यहाँ पे डालेंगे बेस कंडीशन, बेस कंडीशन डाली, और जैसे ही हमारी बेस कंडीशन रीच हो जाए रिटर्न कर दो, प्रिंट करके देखते हैं। सो हमारा 5 4 3 2 1 कोड बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार ही समझते हैं क्या कह रहा है ये। हमने यहाँ पे 5 वैल्यू डाली एन की, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन ने जैसे ही कॉल किया इसे, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम अगर सपोज कीजिए यहाँ पे ए डाले,
यहाँ पे भी ए डाले, यहाँ पे भी ए डाले और यहाँ पे भी ए डाले, कोई फर्क पड़ेगा आपके कोड में देखते हैं? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग वैल्यूज चल रही थी। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 हो ना हो इसे कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे हमारी, ये हमारी बेस कंडीशन है, ये हमारी बेस कंडीशन है और ये हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक और प्रिंट कराते हैं सी आउट, और ए। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पे जैसे हमने सी आउट कराया था तो 5 4 3 2 1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 2 3 4 आएगा या 5 4 3 2 1 फिर से आएगा? प्रिंट करके देखते हैं। और हमारा 1 2, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं, जैसे हमारी एक बारी कंडीशन रीच हो गई और हम हमारी जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तभी क्या हुआ, हमने रिटर्न किया, हम यहाँ पे आ गए और अब इसकी वैल्यू क्या है, 1। जैसे हम, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या स्टोर करा था, 1 प्रिंट करा था, यहाँ पे हमने 1 प्रिंट कराया था, इसलिए हमारे यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ में हमने लास्ट में कोई 1 प्रिंट कराया है, तो इसलिए हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो रहा है पहले। फिर सेकंड में हम जैसे ही हमारी ये कंडीशन डी टू 1 होगा, फिर यहाँ पे हुई 2, तो ऐसे 2 प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 -1 है ना, कुछ तो 2 ही हो रहा होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, 2 प्रिंट हो रहा है, इसलिए इस तरीके से हमारा प्रिंट हो रहा होगा। ये पहले ही प्रिंट हो चुका, ठीक है, और ये इसके बाद प्रिंट हो रहा है, मतलब जब हम रिटर्न कर रहे हैं तब ये प्रिंट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये पहले ही प्रिंट हो चुका। अब ये स्टैक क्या होता है, जैसे हम प्लेट के ऊपर प्लेट रख देते हैं या बुक्स के ऊपर बुक्स, ये होता है स्टैक। तो पहले हमारे मेन फंक्शन ने किसको कॉल लगाई होगी, प्रिंट एनो को, प्रिंट एनो को, और एन में क्या था स्टोर किया था, 5। अब ये जो प्रिंट एनो है उसमें क्या जाएगा, इंट में, एन में 5, और सी आउट में क्या प्रिंट हो रहा होगा, 5 प्रिंट हो रहा होगा। फिर प्रिंट एनो में n-1, मतलब अब 4 हो गई, और ये फिर से कॉल लगा रहा है फंक्शन को, प्रिंट एनो को फिर कॉल लगाया, इस बार 4 के लिए कॉल लगाया, और हमारा प्रिंट हो रहा होगा 4। फिर प्रिंट एनो की जो गई, अब 3 हो गया, n-1 तो 3 हो गया, तो फिर प्रिंट एनो ने फिर कॉल लगाई फंक्शन को। कॉलिंग इटसेल्फ, कॉल अपने आप को ही लगाता है, और जब तक बेस कंडीशन रीच ना हो जाए, हमने पढ़ा था, तो फिर से कॉल लगाई, अब लगाई 3 के लिए। अब जैसे 3 प्रिंट हुआ तो सी आउट ने क्या किया, 3 को प्रिंट कर दिया, और फिर प्रिंट एनो में क्या हो गया, अब 2 हो गया, अब प्रिंट एनो को फिर कॉल लगाई, और फिर अब 2 के लिए लगाई, और फिर सी आउट 2 हो जाएगा, और फिर अब 1 के लिए कॉल लगाएगा, 2 -1 1, तो 1 के लिए कॉल लगाएगा, तो फिर प्रिंट एनो में अब क्या होगा, 1 होगा, और सी आउट में 1 प्रिंट कर दिया होगा। अब प्रिंट एनो 0 के लिए कॉल लगाएगा, पर अब हमारी बेस कंडीशन रीच हो गई होगी, बेस कंडीशन में एन में क्या होगा, 0 चला गया, और हमारा फंक्शन रिटर्न हो गया होगा। रिटर्न होने के बाद क्या हुआ होगा, अब समझते हैं हम हमारा रिटर्न कैसे चल रहा होगा। जैसे हमारी बेस केस ट्रू होता है तो हमारा 0 तो प्रिंट हो नहीं पाता, क्योंकि हमारा अब रिटर्न हो रहा है, क्योंकि बेस केस ट्रू हो चुके हैं तो 0 प्रिंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एनो n-1 पे गए, और उससे ऊपर वाले कोट पे क्या लिखा है, हमने क्या था प्रिंट किया था, सी आउट में 2 प्रिंट किया था हमने सी आउट में, है ना।
और जैसे ही हमने प्रिंट एन माइनस वन मतलब इधर टू होगा तो हम टू को कॉल लगा रहे हैं। जैसे ही हमने टू को कॉल लगाया तो हमारे ये वाला कॉलम हम रिटर्न करते हैं, डिलीट हो जाएगा। जैसे हम टू पे आए तो क्या होगा, अब हमारे सीआउट में क्या था, थ्री था, थ्री था। और हमने जो प्रिंट एन एनओ कितना था, थ्री माइनस वन, इससे हमारा टू आया था, तो हमारा थ्री वापस थ्री पे जा रहे होंगे, क्योंकि जो प्रिंट एनओ है ना एक फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू फंक्शन तक ही रहती है। अब सोचोगे आप एन माइनस वन क्यों है, पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन तक ही रहती है, इसलिए हम थ्री के पास अब वापस रिटर्न हो रहा हमारा स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हमारा कोड चल रहा होगा और हम मेन फंक्शन पे आ रहे होंगे। मतलब हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, सीआउट थ्री से, सीआउट टू से, जिस तरह से हम ले रहे थे ऐसे हम मेन फंक्शन पे आ रहे होंगे और इस तरीके से हम रिटर्न कर रहे होंगे और अपना कोड प्रिंट कर रहे होंगे।